तो दोस्तों चाहे आप लोग इसको मसाला कहें करेले का, या चटनी कहें, या नमक कहें करेले का, जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनती है। दोस्तों आज ये हम एक अलग तरीके की चटनी बनाने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और आज की जो ये चटनी है दोस्तों वो डायबिटीज़ के पर्पस से हमने बनाई है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग ये चटनी अगर खाएंगे तो उनको लाभ मिलेगा, तो इसीलिए आज हम ये चटनी बनाने जा रहे हैं। तो इसका सामान कुछ इस तरह से है। ये मैं दो करेले लिए हैं और चार पांच इलायची हैं हरी वाली, अदरक है, दालचीनी का ये टुकड़ा है, चार पांच लौंगे हैं, दो चम्मच सौंफ है, दो चम्मच काली मिर्च है, डेढ़ चम्मच जीरा है, 11 से 12 लहसुन की कलियां हैं, और ये अपने अमचूर पाउडर है, सफ़ेद नमक है और काला नमक है। इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों ये हम आगे इसका डंठल थोड़ा सा आगे से और पीछे से निकाल के और इसको हम ग्रेटर से घिस लेंगे महीन महीन। देखिए दोस्तों ये हमने इस तरह से करेले को अपने घिस लिया है। इसके हमें बीज नहीं लेने हैं, ये ऊपर का हल्का हल्का निकाल लेना है गूदा, और बीज वाला पार्ट हमको छोड़ देना है। और अब हम इसी तरह से अपने लहसुन को भी ग्रेट कर लेंगे। तो दोस्तों हम इसमें एक से दो बूंद बस सरसों का तेल डालेंगे, बस इतना सा। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि मसाले हमारे चिपके रहें एक दूसरे में, बस। अब ये जो हमारे सूखे मसाले हैं पहले हम इनको भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारे मसाले भुनने लगे हैं, इनमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे और इसमें एक से दो मिनट के लिए इसी में चलाएंगे। बहुत जल्दी बनने वाली चटनी है तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों ये हमने अपने मसाले को इस तरह से प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया है, और अब हम अपनी गैस फिर से ऑन करेंगे। और हम इसमें सबसे पहले ये करेले भूनेंगे। इसी करेले हमको धो के इस्तेमाल करने हैं, और इनको ग्रेट करने के बाद निचोड़ना नहीं है, और मीडियम फ्लेम पे हम अपने करेलों को और बाकी जो हमारा अदरक है, लहसुन है ग्रेट किया हुआ, वो सब लो टू मीडियम पर हमको भूनना है। इसके जब तक पानी सूख जाए तब तक। हल्का हल्का पानी सूख गया है, अब हम इसमें अपना ये अदरक डाल देंगे ग्रेट किया हुआ, और ये लहसुन डाल देंगे ग्रेट किया हुआ। अब इन तीनों को लो टू मीडियम गैस पर हम भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारा करेला, लहसुन, अदरक इस तरह से भुनने लगा है, और इसमें हमने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है, और इसको हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर भून रहे हैं। ये हमारा करेला, लहसुन और अदरक भून के तैयार है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसको इसी तरह से चलाते हुए ठंडा करेंगे, और अपना ये मसाला जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था इसको पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारा मसाला पीस के तैयार है, और हमारी चटनी भी तैयार है। अब हम इसको इसमें निकाल लेंगे। अब हम इसमें आमचूर पाउडर, आधी चम्मच काला नमक,
और आधी से भी कम सफ़ेद नमक हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सूखी करेले की चटनी आप लोगों को कैसी लगी तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये चटनी खाएं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग तो खाएंगे ही, और बाकी लोग भी खा करके देखें और बताएं कि ये चटनी कैसी लगी।